इम्पॉर्टेंट है कि ये सब आखिरी जो मस्जिदें हैं हमारी अहमदाबाद शहर की, उसमें से ये एक मस्जिद है जो सुल्तान पीरियड के टाइम पर बनी हुई मस्जिदों में से एक मस्जिद है, क्योंकि ये बनी थी 1572 और 73 में, और ये मस्जिद बनी थी सीदी सैयद के नाम पे, और वो थे जो कंसल्टेंट, जो आज के ज़माने में कहते हैं एडवाइज़र थे, जो बिलाल जाजर खान करके जो सिपह सालार थे, जो मुजफ्फर थ्री जो लास्ट जो सुल्तान थे सुल्तान डायनेस्टी के, उनके वो सिपह सालार के एडवाइज़र थे। ये जो मस्जिद है वो सीदी सैयद जो इथोपियन उस ज़माने में एबेसिनियन कहते हैं, तो इथोपिया के जो रीजन से लोग आते थे उनको, उनके वो उस तरह के लोग थे जिसे हम लोग सीधी बादशाह कहते हो। अच्छा, लोग ऐसे कहते हैं कि वो स्लेव्स थे, लेकिन कई लोग इसमें भी है कि डिफरेंस है कि स्लेव कई लोग थे, बट कई लोग थे उसे बिजनेस के लिए आए थे, वो खुद ही राजा थे, इसलिए बादशाह कहा जाता, सीधी बादशाह इसलिए कहते हैं। तो वो लोग आए और फिर वो यहाँ पे बस गए थे। कि यहाँ पे तीन जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सीधी कम्युनिटी बसती है, एक तो पत्थरकुआ है पीछे ही हमारे, एक तो है गिर फॉरेस्ट है, और एक हमारा राजपीपला है। तो उनके नाम पे ये मस्जिद बनी है, और ये मस्जिद इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये आखिरी मस्जिदों में से है जो सुल्तान पीरियड की है। तो इसमें आपको बहुत अलग आर्किटेक्चर मिलेगा जो कम्पेयर टू आपको जामा मस्जिद में दिखेगा जो 1423 में बनी थी। और ये था कि ये जो बीच की गाली है वो इसलिए खाली है, कई लोग कहते हैं ब्रिटिशर्स लेके गए और ये सारी चीज़ें, क्योंकि 1572 में ही मुग़लों ने अटैक किया और सुल्तान पीरियड का एंड हुआ और मुग़ल ईरा शुरू हुआ। तो वो जब टाइम था तो ये मस्जिद का काम रुक गया, क्योंकि जब सुल्तान पीरियड ख़त्म हो गया तो सुल्तानों ने ये मस्जिद शुरू किया था, इसलिए दे कुडंट कंप्लीट दिस मॉस्क। इसलिए जो बीच का जाली था, आप सोच सकते हैं अगर ये सारी साइड की जाली इतनी अच्छी बनी है तो जो सेंट्रल जाली होगी वो कितनी अच्छी बनाने का सोचा होगा उन्होंने। ये इंडियन इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है, एक एक पत्थर में से जो काव किया हुआ है, और ये जो जाली इज अ जो नॉलेज ट्री और ट्री ऑफ लाइफ उसको रिप्रेजेंट करता है, जो जिंदगी का जो एक जो पेड़ है, दरख्त है। और इसलिए इसको कई कई जगह जैसे आई एम अहमदाबाद ने इसको इसलिए ही चुना है कि ये जिंदगी और नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। फोर्ट बना जो कोर्ट था यहाँ का, और उसमें पैलेसेस एक तरफ साइड में वेस्टर्न रीजन में बने, जो नगीना बाग था और साथ में अहमद शाह की मस्जिद, ये सबसे पहले बना। उसके बाद जामा मस्जिद और दूसरा सारा कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। तो ये जो पूरा फोर्ट है इंटर वो कुछ है ना 43 एकर्स में बना हुआ था जो अहमद शाह के टाइम पर बना। फिर जो बाहर का जो फोर्ट है जो हम देख रहे हैं वो मोहम्मद बेगड़ा ने बनाया था। तो जो 10 किलोमीटर की वॉल जो हम बड़ी देखते हैं वो मोहम्मद बेगड़ा के टाइम की, लेकिन जो छोटा सा ये इसमें 162 हाउसेस और 8 एंट्रेंस गेट्स के साथ ये फोर्ट बना था। आप देखेंगे कि आज़म खान वो अराउंड लास्ट 1637 के आसपास वो लोग आए, और वो एक गवर्नर था जिसने सराय बनाया, और सराय का जो कंस्ट्रक्शन है बहुत ऑटोमन टर्की में, आप जाएंगे कोई गया होगा तो पता होगा कि टर्की में हर एक नुक्कड़ पर आपको सराय मिलेगी। तो कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है कि जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्निंग बॉडी और जो काम करती है उसको सराय कहते हैं। तो वो सराय यहाँ पे आज़म खान ने मुग़ल ईरा में डेवलप किया, जिसमें से कोर्ट बन गया। कोर्ट को भी अभी वो पूरा काफ़ी जो चीज़ें हैं वो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन वो सराय, उसके बीच में फाउंटेन है जो फाउंटेन ऑपरेट होता है साबरमती रिवर के साथ कनेक्टेड। दांडी मार्च शुरू हुआ था, तो जब दांडी मार्च शुरू हुआ तो उस ज़माने में औरतों को निकलना बहुत मुश्किल था। तो गांधी ने जब शुरू किया, महात्मा गांधी ने जब ये दांडी मार्च, तो कई औरतें बाहर निकल आई पहली बार घर से और आज़ादी के लिए। तो फिर वो सोचा गया कि ये जो औरतें बाहर निकली हैं उनको वापस अगर घर में धकेल देंगे तो क्या होगा।
तो मुर्दुल्ला साराभाई उस ज़माने में लड़ती थी अपने बाप और अपने भाइयों के खिलाफ, और वो ये जो शाहपुर मिल कंपाउंड है उसमें जो मिल वर्कर्स थे उनके बच्चों के और उनके औरतों के लिए काम करते थे। तो मुर्दुल्ला साराभाई ने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया। तो 1934 में ज्योति मतलब लाइट और संघ, तो जो लाइट देता है उसका संघ, ऐसे करके ज्योति संघ करके पहला वुमेन ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ। ज्योति संघ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 1934 में वो लोग जर्मनी से साइकिल लेके आए थे और पहली बार अहमदाबाद में औरतों ने साइकिल चलाई थी। जब वो साइकिल चलाती साड़ियों पे तो लोग जमा होकर देखते थे उनको। और उस ज़माने में रविंद्रनाथ टैगोर से लेके जीजे स्कूल ऑफ आर्ट्स से लेके कई कई फैकल्टी यहाँ पे आके औरतों को पढ़ाते थे, गांधी खुद पढ़ाने आते थे। वो 7 साल की उम्र में उनको कुरान हिफ्ज किया हुआ था। फिर उनका ऐसा था कि उनके अब्बा उनके पैदाइश के पहले गुजर गए, उनकी अम्मा पैदाइश के बाद तुरंत गुजर गए। उनके चाचा थे अब्दुल रहमान, उन्होंने उनको पढ़ाया। और फिर उन्होंने 9 साल की उम्र में वो कादरी और सिलसिले से जुड़े, और फिर वो गए मक्का मदीना, और फिर वहाँ पर पढ़ाई ख़त्म किया। मदीना में वो 7 साल पढ़ाई ख़त्म करने के बाद 9 साल की उम्र में मक्का मदीना चले गए। वहाँ इस्लामिक स्टडी, उन्होंने साइंस भी पढ़ा, तो आउटर और इनर साइंस जो कहते हैं इस्लामिक स्टडीज़ में वो पढ़ा। उसके बाद फिर उन्होंने 7 साल मदीना में रहे। उन्होंने बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी, कहानियाँ, पोइट्रीज और नज़्म, तो वो उनके मुरीदों ने यहाँ पे सेव करके रखा है। तो अभी जो 250 जो मैन्युस्क्रिप्ट का जो कलेक्शन था वो अभी 4000 मैन्युस्क्रिप्ट का कलेक्शन हो गया है। यहाँ 25,000 बुक्स हैं यहाँ की लाइब्रेरी में, और उसको अभी रिसेंटली जैसे भाई ने बताया था प्रिजर्व करने के लिए ईरानियन गवर्नमेंट ने खर्चा उठाया था, बिकॉज जो रेडिस्टर्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं पर्शियन लैंग्वेज की और सिंधी, गुजराती और काफ़ी और ज़बानों की, वो यहाँ पे आपको मिलेगी। तो काफ़ी, मैं लास्ट में जब आया था अपने रिसर्च के लिए तो एक ऑक्सफर्ड से लड़का आया था रिसर्च करने के लिए, और वो यहाँ पे रिसर्च कर रहा था। अच्छा, यहाँ पे फरमाननामे हैं, तो फरमाननामे जो हैं जो अकबर ने और औरंगज़ेब ने लिखे हुए थे कि जैन कौम को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए उनकी मंदिरों को, तो लोगों को फरमान किया था कि इनके मंदिरों को कैसे प्रोटेक्ट करना। फरमाननामे रिसेंटली जैन कम्युनिटी ने पब्लिश करवाए, तो आप ये समझ सकते हैं कि पहले से लोग कहते हैं कि इनकी कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए उन्होंने क्या किया था। यहाँ पर एक अलमद की सूरा है लिखी हुई, और उसके बीच में पूरा कुरान लिखा हुआ है देखा। और दूसरा है कि औरंगज़ेब का खुद का लिखा हुआ यहाँ पे कुरान शरीफ है, हाँ। और एक पाटन के पर्शियन स्कॉलर थे जो हिंदू थे, उन्होंने पर्शियन में लिखा हुआ महाभारत है। मतलब अरेबिक में होता है फ्राइडे, तो जामी से जामी मस्जिद से जामा मस्जिद हो गया, जो ट्रेडिशनल अरेबिक वर्ड था जामी मस्जिद। और ये 1424 तक ख़त्म हो गया था काम, 15 फरवरी 24 को ही इसका कंस्ट्रक्शन ख़त्म हुआ था अराउंड। तो ये 15 डूम्स और 260 पिलर से बना हुआ मस्जिद है, और ये बहुत क्लासिकल केस है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का, बिकॉज अभी देखिए कलश है और कलश में से मोटिव्स निकलते हैं। तो ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है बिकॉज कलश एंड ऑस्पिशियस है इन हिंदू रिलीजन, जिसमें गंगा जल डाल देते हैं और वहाँ से मोटिव्स निकलते हैं, तो दैट इज़ अ ब्लेंड ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो आप पूरे देखेंगे आगे आगे भी, आप सभी मस्जिदों में देखेंगे आप कलश और उसमें से मोटिव्स निकलते देखेंगे। जो सारी मस्जिदों में है वो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का वो इनुम नमूना है। और इसके दो मीनारें थे जो 1819 के जो अर्थक्वेक में एक शहीद हुआ, उसके बाद दूसरा जो कुछ अराउंड 20 सेंचुरी में एक अर्थक्वेक हुआ उस दौरान शहीद हुआ। तो ये दो मीनारें के साथ बनी हुई मस्जिद है। इम्पॉर्टेंट एरिया है वो है लोटस कमल,
कमल है ना वो अगेन ऑस्पिशियस इन हिंदू रिलीजन। और आप मस्जिदों के जहाँ पे जितने गुंबज हैं, आप रानी सिपरी की छोटी सी मस्जिद है वहाँ पे भी देखेंगे गुंबज में, और यहाँ पे भी देखेंगे खुलता हुआ कमल या बंद होता हुआ कमल का डिज़ाइन। शहर वालों को कैसे पता चलेगा? तो नौबत बजता, नौबत अच्छे और बुरे टाइम में बजता है अपने वहाँ। तो नौबत बजाने वाली फैमिली जिसको वक्फ हर महीने 3,000 रुपये देती है, तो ये लिविंग हेरिटेज है। तो रात में 11 से 11:20 में ये प्रोग्राम होता है। तो जिसमें क्या लिविंग हेरिटेज में यहाँ पे दो है, कि खिचड़ी पकना, हाँ, और दूसरा होता है 4 बजे शाम में, और ये जो नौबत खाने में नौबत, ये नौबत खाना है। चार अहमद जो बहुत ही पायस, जो बहुत ही रिलीजियस, बहुत खुदा के बंदे थे, चार अहमद ने पहली 4 ब्रिक्स रखा 4 कॉर्नर पे। उसमें एक तो अहमद शाह खुद थे, अहमद शाह बादशाह, और एक अहमद गंजबख्श खट्टू थे, बाकी के दो अहमद थे जिनका नाम अहमद था। और इसलिए अहमदाबाद का नाम अहमदाबाद पड़ा दो तरीके, एक तो अहमद शाह ने बसाया, और जो पहली चार जो ईंट रखी गई 4 कॉर्नर पे वो अहमद ने, अहमद नाम के 4 अच्छे इंसानों ने रखी गई। तो मौलत पोल है, तो जो पहली पोल बनी और जो मुहूर्त हुआ तो उसका नाम मुहूर्त पोल बना। तो ये पोल जो है, ये अंदर जाते हैं, ये मुहूर्त पोल है जो सबसे पहली पोल बनी। ये है हमारा पुराना शेयर बाज़ार का बिल्डिंग। 1905 में यहाँ से शेयर ट्रेडिंग शुरू हुआ था, उसी टाइम पे कलकत्ता से शुरू हुआ था। तो मतलब है कि सबसे पहले जो शेयर मार्केट शुरू हुआ वो अहमदाबाद और कलकत्ता शुरू हुआ, और यहीं से शुरू हुआ था। ये जो बिल्डिंग है वो अराउंड पोस्ट इंडिपेंडेंस बनी हुई है, और जब ये डिजिटल और ऑनलाइन शेयर मार्केट शुरू हुआ 1990s के बाद में, तब से इसका रेलेवेंस ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे इसलिए आपको बहुत सारी मिठाइयों की दुकान और बहुत सारी फरसान की दुकान मिलेगी, क्योंकि जो शेयर ब्रोकर आते थे पूरा दिन काम करते थे, इधर खाते पीते थे। और इसलिए जूना शेयर बाज़ार वाला का दुकान है जो पूरे अहमदाबाद में उसकी ब्रांचेज हैं, वो इधर से शुरू हुआ। पर ये जो बिल्डिंग है वो अराउंड 1950s में बनी हुई बिल्डिंग है, लेकिन आज वो खाली पड़ी है। फ्रेंच गवर्नमेंट और हिंदुओं ने मिलकर यहाँ पे काम करना शुरू किया था। ये 12 करोड़ रुपए लग गया था इसको रिस्टोर करने में, इतना ज़्यादा बुरी हालत हुई था। और यहाँ पे ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज यहाँ पे दिखाकर जो घर होता है उसमें कॉमन फीचर्स होते हैं। एक तो ये होता है कि एक पनिहारा होता है, और यहाँ पे ये है टाका, टाका है ये वाला, देखिए ये वेल है। इसमें ये लोग गम गोंद है, हल्दी है और चना है, ये सारी जो चीज़ें ये जो है, और लाइम स्टोन सॉरी, तो ये सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके ये इसको बनाते हैं, जिससे प्रिजर्व होता है पानी। और तो इनका खुद का स्टेपवेल है, आप धीरे से अंदर नीचे जा सकते हैं और उनका खुद का स्टेपवेल देख सकते हैं। ये अकेला मकान है जिसमें खुद का स्टेपवेल है।